व्यू चेक करें कैसा खूबसूरत है सुबह सुबह. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. थोड़ा सा मैं थका हूँ. हम लोग काफ़ी लेट रात को यहाँ पहुँचे थे. कहाँ पे हूँ अभी वो मैं थोड़ी देर आपको बाद में बताऊँगा. हमें लेट हो रही है. अभी हम निकल रहे हैं, एक सनराइज स्पॉट है वहाँ पर जाना है. सुबह के तकरीबन 6:20 हुए हैं और आधे घंटे बाद जो है ना वो सनराइज़ है. तो अभी चलते हैं वहाँ पर. जगह का नाम है डेविल्स जॉ पॉइंट. डेविल मैं नहीं हूँ भाई इसमें, जगह का नाम है. पीछे पीक्स बड़ी खूबसूरत लग रही हैं. इनसाइड आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ नॉर्वे, सेन्या आइलैंड है. और आपका भाई अबरार हसन. मैं यहाँ पे आया हूँ अपने एक कज़न दोस्त के साथ, मोहसिन. आप देख सकते हैं पीछे, आपने शायद उसको वीडियो में देख लिया होगा अभी तक. और एक वीक के लिए यहाँ हूँ और यहाँ से ब्लॉग बनाऊँगा. कुछ हाइक्स करेंगे, कुछ आगे पीछे घूमेंगे. और अभी जो है सबसे पहले हम ड्रोन उड़ाते हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं. अपनी एयरबीएनबी में वापस आ गए. चेक करें ये हीटर है जूते गर्म करने के लिए. ठीक है, अरे जूतों में मेरे पानी चला गया, उनको इधर रखते हैं ताकि गर्म हो जाए. अभी कुछ पकाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर पैकिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है ना हाइक करेंगे. हम लोगों ने अभी हाइक स्टार्ट की है. थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हमारे पास कैंपिंग गैस नहीं थी. वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग गया था, हमें ड्राइव करके जाना पड़ा. अभी सेन्या में और ये जो सामने आप पीक दे रहे हैं सेगला और इसके साथ है हेस्तन, ये दरख्तों के पीछे. तो हमारा प्लान है कि आज हम वहाँ पे जाएंगे, नाइट स्टे करेंगे. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इनसाइड आर्कटिक सर्कल जो है, स्पेशली विंटर में कैंपिंग करने का. पहले भी मैंने की है लेकिन इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस भी नहीं की. तो देखते हैं कैसे गुजरता है. अभी हम थोड़ा सा लेट हैं जिससे कोशिश करेंगे कि जल्दी ऊपर पहुँचें. आधे से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा रह गया आखिरी चढ़ाई. और मोहसिन कैसा फील कर रहे हो? ऊपर जाके बताता हूँ. ठीक है जी. लास्ट पार्ट जो है ना काफ़ी हार्ड है क्योंकि फ्रेश स्नो है और स्लिप काफ़ी हो रहा है बंदा, और पूरा का पूरा धंस जाता है अंदर स्नो के. मौसम जो स्ट्रगल कर रहा है आ रहा है. सो फाइनली वी आर एट द टॉप. तो मौसम हाउ डू यू फील नाउ? मस्त मस्त. देखें और
अभी सबसे पहले जो है ना हमें जगह ढूंढनी है कि हम कहाँ पे अपना टेंट लगाएं। तो देखते हैं, मैं भी इधर थोड़ा सा एक्सपोज रिज है लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे लगाते हैं अपना टेंट। अभी हम लोग माउंटेन के टॉप में हैं, काफ़ी हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, मौसम जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं इतनी काकर उसको फिर अभी बेड में डाला है, साथ लेटा हुआ है, खाना वगैरह आप बना रहे हैं, खिलाएंगे, देखते हैं वो गर्म होता है कि नहीं है, अदरवाइज जो है उसको फिर नीचे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों मौसम? या लेकिन अभी बेहतर फील कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने स्पैगेटी विद टूना बनाई है, बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है और काफ़ी मुश्किल था बनाना। मौसम जो है वो लेटा हुआ है अपने बिस्तरे में काफ़ी देर से, और मेरे पैर जो है ना उनकी लगी पड़ी है, वो बी वाली लगी पड़ी है। इधर देखें, ये सारा कड़मस प्याया है, इसको भी अभी मैंने साफ़ करना है, और देखते हैं कि आज रात हमारी लक में नॉर्दर्न लाइट्स हैं कि नहीं। अभी सबसे पहले जो है ना खाना खा लूँ। नॉर्दर्न लाइट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, अराउंड -30 degrees है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा जो है वो नीचे गिरा है हवा की वजह से और उसका इंटरवलोमीटर टूट गया है। अब मैं मैनुअली एक एक पिक्चर लेके उसे वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हाउ मैजेस्टिक नेचर इज। रात को नॉर्दर्न लाइट्स का शो तो बहुत फिट रहा, बहुत स्पेक्टेकुलर, लेकिन जो सर्दी ने हमारी लगाई वो बहुत हॉरिबल शो था। लेटा हुआ जवान, अभी कोशिश होगी कि ड्रोन उड़ा लिया जाए, सामान पैक किया जाए और नीचे जाके अपने आप को गर्म करें हम लोग। लेकिन फाइनली ऑलमोस्ट पैकिंग पूरी हो गई और अब जा रहे हैं हम लोग नीचे। बैक एट और कार पार्क। हाइकिंग काफ़ी अच्छी रही, रात को जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स ने जो है ना सारे माहौल बना दिया था। एट द एंड ऑफ द डे वी आर रियली हैप्पी वी डिड इट, बट बिकॉज ऑफ द कोल्ड हम लोग ड्रोन सही तरह नहीं उड़ा सके, तस्वीरें सही तरह नहीं ले सके, मेरा इंटरवलोमीटर जो है वो टूट गया, तो कोल्ड जो है ना वो काफ़ी एक फैक्टर है, लेकिन we really enjoyed it और I hope
you enjoyed my vlog. And if you enjoyed it, then please subscribe, like, share, and see you in the next vlog.